जीत हमारी हुई है, ये इनकी सबकी जीत है, ये हमारी जीत की है। गहरा आदमी की पूरे हमारे होगा तो उसके साथ साथ जो है हम उर्दू जबान को लाएंगे, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है। हम ये मुसलिम नहीं होते हुए भी हमारे वास्ते बहुत दुआएं करें और दिन रात मेहनत करें, उसका नतीजा आज कमेटी को कामयाब किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये कमेटी पूरी इंशाल्लाह काम करेगी। जो जीते हुए साहब हैं वादे कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो आपका वादा पूरा करेगा। उर्दू जबान के लिए मैंने पहले लॉन्च किया हूँ कि जब हमारा मकतब खुलेगा, जब अरबी मदरसा शुरू होगा, तो उसके साथ साथ जो है हम उर्दू जबान को लाएंगे, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है। हमारे बच्चों को उर्दू जबान नहीं आती। लोग कहते हैं, उलमा कहते हैं कि क्या बच्चों को क्या है कुरान पढ़ना, मानेगा कुरान पढ़ना, जब जबान ही नहीं आती तो मानेगा कुरान पढ़ेगा कहाँ से? कैसे भी नहीं समझते। मंसूबा बनाया हुआ है और फिर उनकी फीस उनको मालूम है, नाजिम भी चला रहे हैं और फीस जो है बहुत कुछ बच्चे नहीं बन सकते, वो भी हम वो फीस बनने का इंतजाम करेंगे। और जो है औरतों के लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो पेंशन होती है, इस तरह से जितना हो सके हम वो पेंशन करेंगे। और फिर यहाँ के मोहल्ले वालों के लिए जो है ये काम चल रहा है, रमज़ान वगैरह में क्या है यहाँ पर हम इमदाद कर रहे हैं राशन वगैरह की, तो ये काम भी फिर हम क्या करेंगे। सिर्फ शर्त ये है कि अहलिया ने पेंशन मोहल्ला हमारा साथ दे, और फिर हम जो हमारे साथ जो गड़कर हमारे साथ जो हार चुके हैं, हम उनसे मुअद्दबाना इल्तमास करते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें, हमारा ताउन करें, तो हम उनके सब साथ रखकर भी क्या करेंगे, काम करेंगे। और जो जो वायदे हमारे नाजिम साहब ने किए हैं और जो जो महीने किए हैं हमारे कमेटी के मेम्बरों ने किए हैं, वो पूरे के पूरे वायदे करके दिखलाएंगे। ये हमारे डिफेंस मर्चेंट एसोसिएशन के हमारे बहुत जो यहाँ के मुसलमान नहीं होते हुए भी हमारे वास्ते बहुत दुआएं करें और दिन रात मेहनत करें, उसका नतीजा आज जाके हमारे को ये मिल गया है। सबसे पहले मैं उस रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रब्बुल आलमीन का जो हमें कामयाबी अता किया, और उसके बाद सारे मेरे वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दिन रात दुआ भी किए और हमारे लिए काम भी किए। बाकी जो हम वादे किए इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम पूरा करके दिखाएंगे। क्या काम करेंगे? जैसा हमने मैनिफेस्टो में बताया था, सोशल मीडिया में बोला था कि बहुत सारे हैं, जैसा कि मदरसा खोलना है, उसके बाद क्या है तुम्हारा वो सेकंड फ्लोर का मस्जिद का पूरा मुकम्मल इंक्लूडिंग सेकंड फ्लोर जो भी मरम्मत करनी है वो सब पूरी करनी है। उसके बाद शेख नथर शालीन का जो कंस्ट्रक्शन है उसको इमीडिएट शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह। और उसके बाद जो भी है एक मोबाइल का एक वैन एम्बुलेंस वैन भी बोला था जनता के लिए, वो भी करेंगे। उसके बाद मैं स्कॉलरशिप का भी बात किया था स्टूडेंट्स के लिए, वो भी करेंगे। उसके अलावा जो बीमार हैं मजदूर यहाँ के गरीब, उनके भी कुछ मदद करेंगे। इसके अलावा मैंने फिर भी कहता हूँ जो भी हमारी कमेटी में अच्छे काम के लिए जो बात आती है वो भी करेंगे हम, और मुसलियों की बात भी सुनेंगे हम। और एक बार शादी महल क्या है हमारा फिलहाल बहुत नहीं चल रहा है, क्योंकि इसकी दाम ज्यादा कर दिया 17,000। इंशाल्लाह हम कोशिश करके 10,000 तक लेके आएंगे। पुराने सदर साहब की, पुराने सदर साहब की। पहली बात तो जो जीत हमारी हुई है ये इनकी सबकी जीत है, ये हमारी जीत नहीं है गहरा आदमी की, ये पूरे हमारे जितने भी मुसल्ले हैं, जितने भी हमारे वोटर्स हैं,
हम तहे दिल से उनको शुक्र अदा करते हैं और इंशाल्लाह हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारे जो वादे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग पूरा करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये कमेटी पूरी इंशाल्लाह काम करेगी, जितने वादे अगर कोई होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरे करेंगे, कोशिश हमें करेंगे इंशाल्लाह। क्या ये उम्मीद थी, ये नेक उम्मीद थी कि ये लोग जो है ज़रूर ये काम करेंगे, ये उम्मीद थी मुझे इंशाल्लाह, इसलिए मैं ये टीम को सपोर्ट करा, इसके बाद भी इंशाल्लाह मैं टीम को सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह उस वक्त जो है मस्जिद का तामीरी काम हुआ, क्या सेकेंड फ्लोर का जो माशाल्लाह काम हुआ, वहाँ नाज़िम भाई माशाल्लाह जो है क्या अब नाम माशाल्लाह नाज़िम भी अपने आप को जो है लगाए, मेहनत लगाए, सेकंड फ्लोर का काम हुआ, मस्जिद का आलिशान काम हुआ, क्या माशाल्लाह जो पूरी टीम है अशरफ भाई ही माशाल्लाह हमारे सदर साहब, इस मेहनत के इस मस्जिद के पीछे बड़ी मेहनत है इन लोगों की, ये बुनियाद है ये मस्जिद की है, क्या अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अदा फरमाए, मेरी एज कैम में भी के जो वादे करूँगा इंशाल्लाह पूरा करेंगे और मेरा भी सपोर्ट है इंशाल्लाह। आदरणीय जो आज जीते हैं उनके लिए मैं अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ मैं अपने साथियों को जो हारे हुए हैं उनकी भी हौसला अफजाई करता हूँ। इंशाल्लाह जो जीते हुए साहब जो वादे कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो अपना वादा पूरा निभाएंगे।